अभी क्या ऐसी बात हमारे यहाँ तो जोर शोर से बारिश की सामान कहाँ हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो नए ब्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह के साथ हो रही है। होप आप लोग भी अपने घर में अच्छे होंगे। तो आज का अपडेट है कि वीर अभी आज स्कूल नहीं गया। जैसे आप लोग को पता है कि वीर का छुट्टी है और सिम्बा क्यों भौंक रहा है, जरा देखो पहले सिम्बा क्यों भौंक रहा है। क्या हुआ, क्या हो गया, क्यों भौंक रहे हो? इस घर में आना है, इस घर में आना है बाबू को। चलो आ जाओ, चलो तो इसे इस घर में ले लेती हूँ, नहीं तो भौंके रहे। चलो चलो ठीक है। क्या चाहिए अभी? अभी आ गई ना इस घर में, आप बैठ के आराम करो। अच्छा कड़ी पत्ता खाना है, खा लो, खा लो कड़ी पत्ता, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, खा लो। वीर यहाँ पे देखिए मोबाइल देख रहा है, एज यूजुअल वीर की छुट्टी है। क्या गाइस, जय माता दी। और बोलो जय माता दी। जय माता दी। डमरू लेके क्या कर रहे हो? मैं तो बाजार। डमरू यहाँ, बुक यहाँ, बैग यहाँ, और तुम वहाँ मोबाइल लेके। ये कौन सा है? इनका टाइम टेबल आ गया एग्जाम का और देखो मोबाइल लेके बैठे हुए। अभी मोबाइल को मैं कपाट में बंद की थी। 1 बजे हम जाएंगे पढ़ाई करने। 11 बजे से 1 बजे हो गया इनका टाइम। पढ़ाई का भी एक असली टाइम होता है, एक से अभी दो होने वाला है। एक से दो होगा ना तो फिर याद रखना। फिर मैं भी रुको अभी थोड़े 20 मिनट। 20 नहीं, एक से दो नहीं होना है, बस दो। तो गाइस उस घर में मम्मी टीवी का देख रही हैं और मम्मी को मैंने खाना बनाई थी, खाना दे चुकी हूँ मम्मी उस रूम में। चलो आपको दिखाती हूँ कि मम्मी उस रूम में खाना खा के बैठ के टीवी लग रहा है देख रही हैं, तो आप लोग को बताती हैं। देखिए यहाँ पे बैठी हुई खाना खा के और टीवी वहाँ पे इंजॉय कर रही हैं मम्मी। कि सामान कहाँ कहाँ से खोज खाज के लेके आता है घर में, छोटे बच्चे को जैसे छोटे बच्चे सामान लेके आते खोज खाज के घर में, कहीं भी रखा रहे कोने अतरे में नहीं मिलेगा। पर ये सिम्बा भी हमारे घर में यही हरकत करता है, हमें नहीं मिलेगा पर इसे मिल जाएगा। हमारे घर में ना सब सामान जितने कहीं रखे रहेंगे सब खोज खोज के लेके आके अपने दांतों से कुतर कुतर के है हटा देता है। हमारे यहाँ तो जोर शोर से बारिश आ रही है और 3 दिन से तो बारिश ने जो मुंबई में तूफान मचाया है ना कि कमर तक पानी आ गई है। तो बारिश कमी नहीं होने का नाम ले रहा है, पेड़ पौधे तो सब खिल रहे हैं। तो गाइस हमारे यहाँ तो 3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश ने बहुत परेशान कर, घुटने तक पानी भर गया। तो कैसे कैसे मैं जीतिया के दिन तो आई उस बाढ़ का सामना करते हुए। बेटा पढ़ ले गाना बंद कर, बेटा पढ़ ले, बंद कर, बंद कर, बंद कर गाना, पढ़ने बैठ जा। नवरात्रि में यदि अब ऐश करना है तो अभी पढ़ ले, कि नवरात्रि में ऐश करना है तो पढ़ ले। नहीं गाने बजाने से नहीं पढ़ सकते हैं, बोल रही हूँ। नहीं नहीं नवरात्रि में यदि ऐश करना है तो पढ़ लो जल्दी से, दिमाग मत खराब करो। चलो सिम्बा सही बोल रही हूँ कि नहीं, आप बोलो सही बोल रही हूँ कि नहीं। लेकिन तुम गलत बोल। मम्मी तो खाना खा के कभी चली गई थी, आराम करने चली गई है, बारिश हो रही है ना, मौसम बहुत ठंडा बहुत अच्छा है। मम्मी बोलती मैं तो जा रही हूँ आराम करने, वो तो आराम करने चली गई है। हम लोग अभी खाए नहीं है, ये आएंगे तो हम लोग खाएंगे, अभी तो बोल गए हैं काम से। देखिए वीर यहाँ पे आ चुका है ट्यूशन से, ट्यूशन से आके बैठा है, थोड़ा रिलैक्स कर रहा है। और यहाँ पे एज यूजुअल सिम्बा हमारा आराम कर रहा है। से ए सिम्बा, सिम्बा ए बाबू, दिन रात मेरे बाबू को बस सोना पसंद है, बस दिन रात। ए वीर दूध लेके आऊँ ना चाय बनाने का? वीर वीर दूध नहीं है घर में, दूध नहीं है, जाए दूध लेके आओ ना चाय बनाने का। ये कौन सा स्टाइल है, तरीका है ये जो नहीं लाओ? क्यों नहीं लाओगे बेटा, जाओ दूध लेके आओ। ठीक है ठीक है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। चाय पीने के साथ आज खाने में बन रहा है सोयाबीन की भाजी और रोटी, क्योंकि आज उन लोग को सोयाबीन की भाजी रोटी खाने का डिमांड है। तो मैं बोली चलो बना देते हैं। सो के उठो ना तो बॉडी जैसे लगता है ना, शाम के वक्त सो के उठो तो ऐसा तो बॉडी पेन करता है, नहीं सो ना तो भी शरीर बुरा दर्द करता है, लेकिन सो के उठो ना तो भी रिलैक्स। क्या मतलब कैसे सब लोग फ्रेश रहते हैं, मैं तो सो के उठी हूँ ना तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैं थक गई हूँ। देखिए मेरे पीछे क्या है, राधे कृष्ण भगवान। तो अभी तक वीर अभी समीर अभी तक कॉलेज से आया नहीं है, पहले चलते हैं इसे पैसा देती हूँ, ये दूध लेके आएगा, उसके बाद चलती हूँ चाय बनाती हूँ। चाय चाय पीने से ना थोड़ा ताजगी आएगी, तो फिर फटाफट जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी में लग जाऊंगी। आज तो आजकल गाइस हम लोग खाना खाने के बाद राधे राधे खाते हैं,
क्योंकि ये खाएंगे तो राधा नाम जपते रहेंगे, तो हम लोग इसलिए ये खाते हैं और राधे राधे जपते रहते हैं। राधा सॉफ्ट रहता है, सब बोलते हैं अच्छा रहता है खाना खाने के बाद खाने के लिए। तुम लोग फिलहाल मैं और वीर खाता है बस, इस वीर के पापा नहीं है और समीर भी नहीं खाता, तो मैं और वीर खाते हैं। अब देखो मैं बात करने बैठ गई, पैसा नहीं दी, चलो पहले पैसा देती हूँ। ए लो वीर, पर्स कहाँ है? गाइस मैं यहाँ पे फैंटास्टिक खाना बना दी हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने सोयाबीन के भाजी और रोटी बनाई हूँ और चावल है। यहाँ पे मम्मी थी, मम्मी को खाना दे दी हूँ, मम्मी खाना दे के टीवी देखकर अपना नीचे चली गई आराम करने के लिए। और यहाँ मैं जा रही पहले सिम्बा को दूध पाव देती हूँ और फिर आटा का डब्बा भी रखना है। आटा आया है, आटे का डब्बे को मैं यहाँ पे मांस दी हूँ, अब जा रही हूँ आटा रखूंगी। सिम्बा के लिए दूध पाव गर्म कर रही हूँ। यहाँ मैं बहुत स्पेशली लोहे क्रीम, देखो सोयाबीन की भाजी बनी है और ये गर्मा गर्म चावल और डब्बे में रोटी है वो हम खाएंगे, और दाल भी है जो मैं बनाई थी बहुत फैंटास्टिक, तो दाल भी खाएंगे। तब तो पहले सिम्बा को दे देती हूँ, देखूँ गर्म, हाँ गर्म हो गया, उसको दे के तो फिर खा। सिम्बा को भी लेते आना जी, सिम्बा को भी लेके आ जाओ, सिम्बा को भी दे देते। अच्छा हीरा, अरे पापा भी अपना नाम सुन के पहले भागता ही है। जा रही इन लोग को खाना देने के लिए, खाना दे के फिर आगे का कुछ काम जो बर्तन धोना रहेगा वो सब तो काम करूँगी। मैं यहाँ भीग के आ चुका हूँ क्योंकि मैं गया था जेरोक्स लेने और इतनी रात को भी बारिश हो गई कि मैं भीग के पूरा आ ही चुका, देख ही सकते हैं आप। और मैं ये टी शर्ट भी निकाल रही, देख ही लो आप, और भीग गया। तो मम्मी खाना खा रही हो? भूख लग गया, बहुत लेट हो गया, 11 बज रहा है। खाने में क्या है? सोयाबीन की भाजी, चावल, दो रोटी। सोयाबीन तो मस्त लग रहा है बट मैं नहीं खाऊंगा आज। भाजी अच्छा बना, दे देना थोड़ा सा फिर। चावल भाजी खा लो, बहुत टेस्टी बना है। ठीक है चलो, मैं यहाँ कपड़े चेंज कर रहा हूँ, फिर तब तक मैं वहाँ जेरोक्स ला कर रख चुका है, वो करते हैं। जो पैंट भी भीग गया मेरा, टैनिंग भी आ रही है गाइस मेरे पैरों पे। इतनी रात को वीर को स्कूल से कुछ काम आ गया है, तो वीर अपने काम में लग चुका है। और इसमें ऐसे की क्या स्टोरी लिखने जा रहा है, कुछ आर्टिकल्स वगैरह पे स्कूल से कुछ कुछ काम आया है, तो वीर उसमें बिजी हुई है। खाना वाना खा के अपना आया पढ़ाई करने, तो बोल रहा है मम्मी मैं लिख के ही आऊंगा आराम करने। मैं बोली ओके ठीक है बाबू, तू अपना कर लो अच्छे से ना। तो ये कैसा लाइन डायग्राम बनाना है ना। तो क्या है? तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया है, खा पी के मैं अभी इन लोग के पास ही बैठी हूँ क्योंकि ये दोनों बैठ के अभी पढ़ाई करेंगे। समीर अभी आ रहा है गेट पे ताला मार के, तो अभी वीर और समीर दोनों यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, तो मैं भी 10-15 मिनट बैठूंगी इन लोग के पास और देखूंगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।